जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम स्प्रेड कर रहे हैं आपके लिए 4 कार्ड लेआउट, जिसमें आपके प्रोफेशनल लाइफ के एस्पेक्ट को हम देखेंगे डिटेल से। मुझे कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं कार्ड सफल करते हुए कि आप में से कुछ लोग जो किसी अपने जॉब प्रोफाइल में या किसी भी प्रकार से आप अपने बिजनेस में, प्रोजेक्ट में कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ संभावनाएँ आपके पास आने वाली है। ये संभावनाएं किसी भी प्रकार से 20 तारीख को या 28, ठीक है, या 2 महीने के अंदर मुझे यहाँ पर इंट्यूशन आ रहा है। तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा और ये चौथा। बॉटम ऑफ द डेक में है अस्तित्व। आप में से कुछ लोग खुद को, स्वयं को किसी भी प्रकार से स्वयं को पहचानने वाले हैं, ठीक है। आपके अंदर क्या खूबियां हैं, आप क्या कार्य कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये आप जानने वाले हैं। तो पहला कार्ड तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कि जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा था कि पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, तो आप में से कुछ लोगों को आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अचीवमेंट मिलने वाला है, किसी का ट्रांसफ़र होने वाला है और किसी का आप जॉब स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपना खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपका जो बिजनेस है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से धीमी गति से चल रहा है, वो तीव्र गति से, तेज गति से चलेगा। ये 28 तारीख के बाद ज़्यादा नज़र आ रहा है। फिर हम देखते हैं आपका, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा था। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका माइंड जो है स्टक हो चुका था, मतलब बार बार आप उस चीज़ को सोचते थे, ना चाहते हुए भी सोचते थे। इसमें टावर मूवमेंट आने वाला है। कुछ ऐसी स्थिति आपके साथ पास्ट में हुई है या आपके लव्स वन के साथ हुई है जिसको आप बार बार सोचते थे, जिसकी वजह से आपका कार्य में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन हो रहा था, बाधाएं आ रही थी, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे। ये जो सिचुएशन है, ये अब समाप्त होने वाला है। और आपके मन का जो भाव है, मतलब आपकी इमोशनल, तो अब आप क्या करेंगे कि अभी तक आप अपने अपनों से बातें शेयर नहीं कर पाते थे, आपका थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं ओपन नहीं था, तो अब आपका जो हीलिंग हो रहा है, हारमोनी का कार्ड बता रहा है, आपका माइंड बॉडी सोल काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने वाला है यहाँ पर। और आपको हार्ट चक्र में, सहस्रार चक्र में, थर्ड आई चक्र में हीलिंग मिलने वाला है। तो अब आप अपने जो भी आपके लव्स वन हैं, ठीक है, उनसे आप अपनी बातें शेयर करेंगे। ये बातें आपके कार्य से संबंधित भी हो सकती है और ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी अपने के साथ मिलकर कोई नया कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये संभावनाएं हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो 4 मंथ है, ये आपके लिए, आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। फिर आपका ये स्पिरिचुअल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो भी प्रोजेक्शन या जो भी निगेटिविटी थी, वह हट रही है, क्योंकि यहाँ पर हम स्पिरिचुअल देख रहे हैं ना। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में जैसे ही आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही आप बढ़ेंगे, तो जो भी निगेटिव प्रोजेक्शन है वो हटने लग जाएगा। यहाँ पर प्रोजेक्शन के कार्ड से यही लग रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअल करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, जितना ही आप अपने रिश्तों को समझेंगे, आप अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में सारे कन्फ्यूज़न हटने वाले हैं और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर भी क्योंकि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। फिर दूसरी बात ये नज़र आ रही है कि देखिए, आपके वर्क में कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, आपके वर्क प्लेस में किसी ने किसी भी प्रकार का निगेटिविटी यहाँ पर थ्रो किया है आपके ऊपर। वो जो निगेटिविटी है, वो आपकी हीलिंग के द्वारा, आप जब अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी के पूरी तरीके से शरण में रहेंगे, तब ये टावर मूवमेंट आएगा, तब आपका ये जो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जबकि पहले आप कन्फ्यूज़ नहीं होते थे, तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये हटने वाला है। साईं बाबा जी का कार्ड देखिए, विपुलता, बहुत जल्द आपको
मुझे लग भी रहा था कि पॉसिबिलिटी मिलने वाला है विपुलता का कार्ड। आप इमोशनली डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, जिनको अपनी बातें बताई थी, उन्हीं लोगों ने ही आपके साथ प्रोजेक्शन किया है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली आप डिसबैलेंस हुए हैं या आपने गलत सोच रखा किसी अच्छे व्यक्ति के प्रति, और किसी ऐसे व्यक्ति से आपने काफ़ी ज़्यादा बातें पार्टिसिपेशन के कार्ड में ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे शेयर किया अपने प्रोफेशनल लाइफ का, अपने पर्सनल लाइफ का। तो यहाँ पर जो है ना, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ में इन्होंने ऐसे प्रोजेक्शन किया है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप अपनी बातों को अपने लोगों से शेयर करने के बजाय दूसरों से शेयर करना पसंद करते थे। यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट किया गया था जिससे कि आप रियल फेस नहीं पहचान पाए। यहाँ पर देखिए, आप रियल फेस नहीं पहचान पाए, लेकिन अब आपके लाइफ में ये सारी स्थिति हटने वाली है क्योंकि साईं बाबा जी का संदेश है विपुलता। बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों को कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। जितना हो सके आप अपने इष्ट देव जी की शरण में रहिए, गुरुदेव जी की शरण में रहिए, जितना हो सके आप स्पिरिचुअल रहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रोफेशन में, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप अपने बिजनेस में या अपने जॉब में, आपके में ग्रोथ जरूर है, लेकिन ये टावर मूवमेंट जरूर है जिसमें ये प्रोजेक्शन समाप्त होने वाला है, निगेटिविटी समाप्त होने वाला है और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाला है। टेक केयर।